हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप एवरीवन विल बी फाइन देयर। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर मदर्स डे। सम ऑफ द पैराग्राफ्स वी हैव कवर्ड, बट फ्यू ऑफ द पैराग्राफ स्टिल रिमेन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक मदर्स डे। सो स्टूडेंट्स, ओपन द बुक स्नैपशॉट्स एंड चैप्टर मदर्स डे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। लास्ट में बेटा आपने देखा था कि पियर्सन ने जॉर्ज को कहा कि बहुत समय हो गया है कि आप वैसे ही मुझे देख रहे हो, आपको थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, थोड़ा सा परिवर्तन दिखना चाहिए, चेंज दिखना चाहिए, कि आप मुझ में कुछ बदलाव देख रहे हो, कि मैं कुछ ऐसी चीज थी आपको लगता था कि मैं नहीं करती थी, लेकिन आपको पता चल गया कि मैं ये चीज करती हूं, तो कोई बात नहीं, ये परिवर्तन होना चाहिए। तो लास्ट लाइन देखते हैं। वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू। व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है पियर्सन? इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू आर सरप्राइज एट मी जॉर्ज। जॉर्ज, काफी समय हो गया है आपको मुझ पर हैरान हुए। जॉर्ज क्या रिप्लाई करते हैं? आई डोंट लाइक सरप्राइजेस। मुझे सरप्राइजेस, सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना, चकित होना मुझे पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग। जैसे चल रहा है मेरे लिए वही सब कुछ ठीक है, चलने दीजिए। यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम। आपको इस समय तक पता चल जाना चाहिए। बाय द वे, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग। आज सुबह मैं आपको बताना भूल गया कि आई वुडंट वॉन्ट एनी टी, कि मुझे चाय की जरूरत नहीं है। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट। आज की रात क्लब में एक विशेष प्रकार का खेल होगा, स्नूकर गेम होगा। एंड बिट ऑफ सपर गोइंग, सो नो टी। और थोड़ा बहुत भोजन भी मिलेगा, इसलिए चाय की जरूरत आज नहीं है। ये बात बताना मैं भूल गया। तो पियर्सन ने इसका जवाब कैसे दिया देखते हैं। दैट्स ऑल राइट, सही कहा आपने। देयर इजंट एनी, लेकिन है भी नहीं चाय। जॉर्ज एस्टोनिस्ट, चकित होकर के, हैरान होकर के। You mean you didn't get any ready? इसका मतलब आप तैयार करके नहीं रखी हो। Pearson, yes, हाँ। And a good thing too, as it's turned out। और ये तो सिद्ध भी हो गया, सही बात है, आपको जरूरत भी नहीं है। जॉर्ज एग्री, परेशान होकर के। That's all very well, बहुत ठीक है। But suppose I would wanted some, लेकिन मान लो अगर मुझे जरूरत पड़ती तो फिर क्या होता? चलो आज जरूरत वैसे नहीं, लेकिन जरूरत पड़ती तो फिर क्या होता? चलिए पियर्सन फिर क्या कहती हैं? माय गुडनेस, हैरानी का भाव प्रकट करने वाला शब्द ही भगवान। लिसन टू द मैन, इस आदमी की बात तो सुनो। अपने हस्बैंड को एक तरीके से, बेशक बेटा चेंजेस है पर्सनैलिटीज में, लेकिन फिर भी देखो, लिसन टू दिस मैन, टू द मैन, इस आदमी की बात तो सुनिए। एनॉयड, चिढ़ा हुआ है, गुस्से में है, नाराज है। बिकॉज, क्योंकि आई डोंट गेट ए टी फॉर हिम, क्योंकि उनके लिए चाय मैंने नहीं रखी। दैट ही डजंट इवन वॉन्ट, और जिस चाय की इनको जरूरत है भी नहीं। एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, क्या कभी क्लब में आपने प्रयास किया ऐसा जानने का, ये सब कभी क्लब में अजमाया? जॉर्ज कहता है, ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्लब में क्या अजमाने वाली बात है, साफ साफ बताओ ना कि पार्टी में या क्या, कुछ जो कहना है साफ साफ तरीके से कहो कि क्लब में मैंने क्या अजमाया, क्या नहीं अजमाया, कौन सी चीज अजमाने वाली बात कर रही हो आप, बताओ साहब। तो पियर्सन कैसे बताती हैं? गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट ए ग्लास ऑफ बियर बट यू आर एनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट। बार में जाना, मैखाने में जाना, वहां पार्टी में एंजॉय करने के लिए जाना, वहां पर उस पार्टी में क्या कभी आपने अजमाया कि बियर जो है आपको जरूरत नहीं है, शराब की आपको जरूरत नहीं है, और आप वहां पर इसलिए नाराज हो गए कि पहले से ही ग्लास में आपके लिए ग्लास तैयार नहीं रखा गया, शराब की ग्लास, बियर की ग्लास आपके लिए तैयार नहीं की गई, इसलिए आप वहां नाराज हो गए, क्या कभी अजमाया आपको? इस लाइन को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, देखना ध्यान से, देखिए।
गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट ए ग्लास ऑफ बियर, आप वहां जाओ और ये बताओ बाद में कि आपको जो है बियर नहीं चाहिए, बट यू आर एनॉयड, लेकिन गुस्से में इसलिए आ जाओ बिकॉज क्योंकि दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, कि वहां पर पहुंचते ही आपको वो ग्लास भर करके नहीं मिला, क्या कभी अजमाया आपने और गुस्से में आ गए वहां पर। ट्राई दैट ऑन देम, कभी प्रयास करना आजमाना उन लोगों पर एंड सी व्हाट यू गेट, और फिर आपको पता चलेगा कि वहां पर आपको क्या मिलता है इसके बदले। चलिए जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता कि आप कहना क्या चाह रही हो या कौन सी बात कर रही हो। मिसेस पियर्सन, दे वुड लॉफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, वे आप पर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। जॉर्ज इंडिग्नेंटली ग्रोथ से, लॉफ एट मी, मुझ पर हंसते हैं, दे डोंट लॉफ एट मी, नहीं मुझ पर नहीं हंसते हैं। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, नहीं वो हंसते हैं आप पर। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, आपको इस समय तक पता चल जाना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था अभी तक इस समय तक कि वो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आप पर हंसते हैं। चलिए फेमस, देखिए एनीबडी एल्स वुड हैव डन, अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो वह कर चुका होता। यू आर वन ऑफ द देयर स्टैंडिंग जोक्स, आप उनके एक तरीके से एक फेमस जोक बनी हुई हो, उनको हंसाने वाला जोक बनी हुई हो, आपको देखकर लोगों का मनोरंजन होता है, फेमस बिल्कुल फेमस हो आप। दे कॉल यू पोम्पी ओम्पी पियर्सन, वो आपको पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहकर के पुकारते हैं। बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पोम्पस, वे उनको जानते हैं आपको कि आप धीमे धीमे चलने वाले और दिखावा करने वाले हो, इसीलिए वे आपको पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहकर के बुलाते हैं। जॉर्ज हॉरिफाइड, जॉर्ज जो है थोड़ा सा देखिए डरते हुए, नेवर, नहीं कभी नहीं। पियर्सन इट्स ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names. एक बात हमेशा मुझे चुभती रहती है, हमेशा चुभती रहती है कि आप ऐसी जगह क्यों इतना समय बेकार करती हो जहां पर लोग आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, गालियां देते हैं, आप इतना समय वहां पर क्यों बिताती हो। Leaving your wife at home, पत्नी को घर छोड़कर के, night after night, रात रात, instead of going out with her, अगर उसके साथ अगर आप जाते तो who doesn't make you look a fool, तो वो आपको मूर्ख बनने नहीं देती, लेकिन पत्नी को छोड़ करके आप बाहर जाते हो और हंसी का पात्र बनती हो, मजाक लोगों के लिए एक तरह से जोक बने हुए हो। साइरिल एंटर्स राइट विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, साइरिल दाहिनी तरफ से प्रवेश करता है, ए ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, एक ग्लास में दूध ग्लास ली हुई है और दूसरे हाथ में जो है एक मोटा रोटी का केक का टुकड़ा ली हुई है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डैश, जॉर्ज जो है प्रायचकित होकर के टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, उसकी तरफ मुड़ता है, देखता है जॉर्ज। हियर साइरिल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, अब जॉर्ज जो है साइरिल से पूछता है कि आप मेरे साथ एक या दो बार क्लब गए हो, सोच लो बेटा कैसा परिवार था, खुद मैखाने जाता था, शराब खाने जाता था, शराब पीता था और अपने बच्चे को लेकर के, अपने पुत्र को भी लेकर के जाता था। कह रहा है अपने पुत्र से साइरिल कि एक बार दो बार आप क्लब गए हुए हो तो दे डोंट लॉफ एट मी, वे मुझ पर नहीं हंसते हैं ना, एंड कॉल मी पोम्पी ओम्पी पियर्सन, और मुझे पोम्पी ओम्पी पियर्सन नहीं कहते हैं ना, डू दे, क्या वे ऐसा करते हैं। साइरिल एम्बैरेस्ड, साइरिल परेशान होकर के, हेजिटेट्स संकोच करता है, एंग्रली फिर वो जॉर्ज गुस्से में बोलता है, गो ऑन टेल मी, डू दे, बताओ, नहीं बताओ मुझे वे ऐसा करते हैं, डू दे, क्या वे ऐसा करते हैं। साइरिल एम्बैरेस्ड, आहत होते हुए, वेल यस डैड आई एम अफ्रेड दे डू, हाँ पिताजी मुझे दुख है, मुझे डर है कि वे ऐसा करते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड, जॉर्ज जो है आहत होकर के देखता है, जॉर्ज स्लोली धीरे से, वेल आई विल बी डैम, लानत है मुझ पर, शर्म है मुझ पर, अपने आप को कोसता है, इतकारता है। जॉर्ज एग्जिस्ट लेफ्ट, जॉर्ज बाईं तरफ से चला जाता है, स्लोली धीरे से, ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, साइड
और वो ऐसे लगता है कि जैसे उस किसी ने खींच करके उसके सिर पर मारा हो। साइरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, और साइरिल पिता की इस हालत को देखकर माँ की तरफ मुड़ता है और कहता है, देखिए नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम, माँ आपको ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, दैट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स माइंड टू, आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है और मेरी भी भावनाओं को। मिसेस पियर्सन क्या कह रहे हैं, देखो बेटा, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, कभी कभी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनके लिए लाभदायक होता है। द ट्रूथ ऑट नॉट टू हर्ट एनीबॉडी फॉर लॉन्ग, क्योंकि सच्चाई जो होती है किसी को लंबे समय तक परेशान नहीं करती है। इफ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर आपके पापा आपके पिताजी वहां बहुत लंबे समय तक नहीं जाएंगे तो परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, तो वे लोग शायद उन पर हंसना बंद कर देंगे, उनका मजाक उड़ाना बंद कर देंगे, उनका इंतजार करना बंद कर देंगे। साइरिल ग्लूमली उदासीनता से, आई डाउट इट, मुझे संदेह है इस पर। मिसेस पियर्सन सीवरली तेजी से, पॉसिबली यू डू बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग, लेकिन पियर्सन कह रहे हैं कि आपका सुझाव आपकी राय अपनाने योग्य है कि नहीं, संदेह है। व्हाट डू यू नो, आप क्या जानती हो, नथिंग, यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रेहाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आई सूल, यू स्पेंड टू मच टाइम, बहुत ज्यादा समय आप व्यर्थ करती हो, एंड गुड मनी, और एक अच्छा खासा पैसा व्यर्थ कर देती हो, एट ग्रेहाउंड रेसेस कुत्तों की दौड़ पर, एंड डर्ट ट्रैक्स गलत रास्तों पर, एंड आई सूल और बर्फ की जो प्रदर्शनी चल रही होती है, डिस्प्ले लगा होता है, वहां पर बहुत ज्यादा पैसा बेकार कर देती हो। साइरिल सल्कली बेरुखी से, वेल व्हाट इफ आई डू, लेकिन मैं बताओ फिर क्या करूं, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, हैवंट आई, मुझे भी तो एंजॉय करने के लिए कुछ चाहिए, देखिए हैवंट आई क्या नहीं चाहिए बताओ। अब देखिए पियर्सन क्या कहती है, आई वुडंट माइंड सो मच इफ यू आर रियली एंजॉयिंग योर सेल्फ, मैं ध्यान ही नहीं देती अगर वास्तव में आप इंजॉय कर रहे होते तो, लेकिन बट आर यू, क्या कर रहे हो, एंड वेयर इज गेटिंग यू, और ये आपको कहां लेकर के जा रहा है। देयर इज अ शॉर्ट हरीड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, इतने में ये सब बात चल रही होती है, बाई तरफ से खटखटाने की आवाज आती है, और गेट पर कौन खटखटा रहा है, कौन नॉकिंग कर रहा है, चलिए आगे देखते हैं। साइरिल माइट बी फॉर मी, आई विल सी, साइरिल कहता है हो सकता है मेरे लिए कोई बुलाने के लिए आया हो, क्योंकि बार बार घूमने के लिए आना जाना साइरिल का काम था, तो साइरिल को लगा कि मुझे हो सकता है कोई बुलाने के लिए आया हो, आई विल सी, मैं देखता हूं। साइरिल हरीज आउट लेफ्ट, साइरिल जो है बाई तरफ से बाहर जाता है, इन अ मोमेंट ही री एंटर्स, और कुछ ही पल में वह फिर प्रवेश करता है, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और पीछे से दरवाजे को बंद करता हुआ आता है, इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेस फिट्जेरल्ड, ये बेवकूफ जो पड़ोसन है यानी मिसेस फिट्जेरल्ड है, इस तरीके से उन्होंने बताया कि गेट पर कोई और नहीं है, वो पड़ोसन बेवकूफ जो है एक फिट्जेरल्ड है वो, फिर यू डोंट वॉन्ट हर हियर डू यू, और मुझे उम्मीद है कि आप नहीं चाहती हो उनको कि वहां वो यहां इस समय आए। पियर्सन शार्पली तेजी से, सर्टेनली आई डू, नहीं मुझे जरूरत है उनकी, आस्क हरिम, उनको कहो कि वो अंदर आए, एंड डोंट कॉल हर ए सिली ओल्ड बैग इधर, और उन्हें बेवकूफ मत कहो, मूर्ख मत कहो, सी इज अ वेरी नाइस वुमन, बहुत अच्छी औरत है, विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, उनके पास बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत ज्ञान है, बहुत जानकारी है उनको, शायद आप लोगों के पास उतनी जानकारी कभी हो पाएगी। साइरिल एग्जिट लेफ्ट, साइरिल बाई तरफ से निकल जाता है, मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट स्मैकिंग हर लिप, मिसेस पियर्सन जो है अपने होठ को चाटती हैं, जो बियर बची हुई होती है उसको पी करके अपनी होठ को चाट रही होती हैं। साइरिल री एंटर्स, साइरिल फिर प्रवेश करता है, असिंग एंड मिसेस फिट्जेरल्ड भी साथ में होती हैं, हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, जो गेट पर ही आकर के थोड़ा सा संकोच करने लगती हैं, कम इन मिसेस फिट्जेरल्ड, कम इन संबोधित करती हैं, आइए। मिसेस फिट्जेरल्ड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर बाई तरफ केंद्र की ओर जाते हुए एंग्सियसली बेचैनी से, आई जस्ट वॉन्डर इफ एवरीथिंग्स ऑल राइट, मेरे हिसाब से मैं सोच रही हूँ सब कुछ ठीक ठाक है,
साइरिल सेल के लिए. नो इट इजंट, नहीं बेरुखी से नहीं, नहीं है. मिसेस पियर्सन शार्पली ऑफ कोर्स इट इज, नहीं सब ठीक है. यू बी क्वाइट, आप शांत रहो. साइरिल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, क्रोध से और तेजी से. व्हाई शुड आई बी क्वाइट, मैं शांत क्यों रहूं. मिसेस पियर्सन शाउटिंग बिकॉज आई टेल यू टू, क्योंकि मैं आपको कह रही हूं. यू सिली बेवकूफ, स्पॉइल्ड बिगड़े हुए, यंग पिकन डिब्बे, इस तरीके से उसको पूरा भला संबोधित करते हुए कहती हैं. बेवकूफ मूर्ख कहीं का, पिकन डिब्बा इस तरीके से संबोधित करती है. मैं कह रही हूं शांत होने के लिए. मिसेस फिट्ज़गेरल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, बड़ी बेचैनी से उसको उसका विरोध करती हुई. ओ नो स्योरली, नहीं नहीं नहीं. मिसेस पियर्सन सीवरली तेजी से. नाउ मिसेस फिट्ज़गेरल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज. फिट्ज़गेरल्ड को संबोधित करते हुए, कृपा करके फिट्ज़गेरल्ड मुझे अपने परिवार को टैकल करने दीजिए, हैंडल करने दीजिए, सुधारने दीजिए, व्यवस्थित करने दीजिए प्लीज, आप उसमें इंटरफियर ना करें. मिसेस फिट्ज़गेरल्ड यस हाँ, बट साइरिल, लेकिन साइरिल आगे देखिए, फिर साइरिल सल्की एंड ग्लोरिंग उदासी से देखिए. माय सर मिस्टर साइरिल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिट्ज़गेरल्ड, साइरिल पियर्सन बोल रहा है फिट्ज़गेरल्ड से, कृपा करके. साइरिल स्टॉक्स ऑफ इन टू द किचन, वह किचन की तरफ चला जाता है. फिट्ज़गेरल्ड मूविंग टू द सेट्टी, सेट्टी की तरफ जाते हुए विस्परिंग, धीरे धीरे कुछ बोल रही है. ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, अरे प्री ये सब क्या हो रहा है. मिसेस पियर्सन कामली ठंडे भाव से, नथिंग मच, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है. जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, बस सभी को उनके उचित स्थान पर व्यवस्थित कर रही हूं. बस सभी को अपना महत्व बता रही हूं, उनका स्थान बता रही हूं कि किसको कहां रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं कर रही हूं. दैट्स ऑल, यही है. डूइंग व्हाट्स यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, जो काम आपको बहुत समय पहले कर देना चाहिए था वही काम मैं कर रही हूं और ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूं. मिसेस फिट्ज़गेरल्ड इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पर है. देखिए सी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेट्टी, सेट्टी पर पियर्सन के बगल में बैठ जाती है. मिसेस पियर्सन यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, मैं उनको बता चुकी हूं कि हाँ कि क्लब में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. फिट्ज़गेरल्ड वेल दे डोंट थिंक ए लॉट ऑफ हिम, डोंट दे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचते, डोंट दे क्या सोचते हैं बताइए. पियर्सन नो दे डोंट एंड हाउ ही नोज इट, देखिए नहीं दे डोंट, वे नहीं सोचते हैं. एंड नाउ ही नोज इट, और अब वह इस चीज को जान चुका है. फिट्ज़गेरल्ड nervously बेचैनी से, ओ डियर आई विश यू यू हैडंट मिसेस फिट्ज़गेरल्ड, कहने का मतलब अब देखिए. ओ डियर अरे प्रिय आई विश यू हैडंट मिसेस फिट्ज़गेरल्ड, आपको इस तरीके से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. फिट्ज़गेरल्ड करके संबोधित कर देती है, जबकि फिट्ज़गेरल्ड तो खुद है लेकिन खुद संबोधित कर देती है. मिसेस पियर्सन नॉन सेंस बकवास है, डूइंग देम ऑल ओवर ऑफ गुड्स, सब कुछ सही चल रहा है. एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी, देख लेना बहुत जल्द ही वो आपके हाथ से खाना पीना शुरू कर देंगे. बहुत ज्यादा सुधार पहले से हो चुका है, बहुत शीघ्र ही वे आपके हाथों से खाना शुरू कर देंगे. मिसेस फिट्ज़गेरल्ड डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट माई, नहीं देखिए डोंट थिंक नहीं सोचती हूँ, आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, कि मैं चाहूं कि वो मेरे हाथ से खाएं. फिर आगे फिर क्या रिस्पॉन्स मिलता है देखिए. मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली अधीरता से, वेल व्हाट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट, नहीं जो कुछ आप चाहोगी दे विल बी डूइंग इट, वे लोग ये वही काम करेंगे जो आप चाहोगी. ऑल थ्री ऑफ देम, तीनों, मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन, बस पियर्सन बस मेरे शब्द को याद रखना. जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट, जॉर्ज बाई तरफ से प्रवेश करता है ग्लूमली उदासी से. ही इज अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड, वह जो है हैरान है. व्हेन ही सीज द विजिटर, जब वह आगंतुक को देखता है. ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, बाई तरफ वह आर्म चेयर पर जाता है. सिट्स डाउन हैवीली एंड ग्लूमली लाइट्स हिज पाइप, बैठ जाता है चेयर पर और अपनी पाइप को जला लेता है. देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू फिट्ज़गेरल्ड, फिर वह पियर्सन से फिर फिट्ज़गेरल्ड की तरफ देखता है. हु इज रिगार्डिंग हिम एंग्शियसली, जो उनको बहुत बेचैनी से उनकी तरफ देख रही है और बैठ करके उनको देखने लगता है. फिर क्या होता है बेटा, आई विल कंटिन्यू रिमेनिंग पार्ट्स इन नेक्स्ट वीडियो. ओके थैंक्स.